नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कौन से लेज़र का क्या ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है और ये आज का जो वीडियो है ये इसका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले कि जो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था भी जो हमारा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज ग्रुप होता है उसका यूज हम कौन से लेज़र के साथ करते हैं, सेल्स का जो ग्रुप होता है सेल्स काउंट का उसका हम किसके साथ करते हैं, इसी तरीके से सैंडरी डेप्टर, सैंडरी क्रेडिटर या फिर कैपिटल अकाउंट, ये सारे हमने जो बेसिक लेवल के जो हमेशा छोटे लेवल्स बिजनेस से लेके बड़े लेवल के जो बिजनेस होते हैं उनमें सभी के अंदर कॉमन रूप से ये यूज होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो कॉमन ग्रुप होते हैं यानी कि छोटे लेवल के अंदर भी वो ग्रुप यूज होते हैं और बड़ी से बड़े लेवल के जो कंपनियों के जो ग्रुप होते हैं कंपनी होती है उनके जो बिजनेस के अंदर जो ग्रुप यूज किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है करंट लायबिलिटीज का ग्रुप, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, फिक्स्ड असेट, लोन एंड एडवांसेज एंड सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट। क्योंकि हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ हम सारे ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम टेली सॉफ्टवेयर में देखते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर जाके काफ़ी सारे ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं वो छोटे लेवल के जो बिजनेस होते हैं उनके अंदर यूज होते नहीं है, ये बड़े बिजनेस के काम आते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे जो कॉमन जो स्टार्ट होते हैं यानी कि वो छोटे लेवल के बिजनेस के अंदर भी काम आते हैं और बड़े लेवल के बिजनेस के अंदर भी काम आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वाइज। जैसे जैसे हमारा पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे हम एडवांस लेवल की तरफ है जो बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो एक नए और फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कि हम जो कॉमन लेजर्स परचेज का जो ग्रुप है सेल का, सैंडरी क्रेडिटर का, सैंडरी डेप्टर का, उनका ग्रुप का यूज हम कौन से लेजर के साथ करते हैं, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, तभी आप प्रॉपर आगे वाली वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है भी जो हमारी बिजनेस की जो बैलेंस शीट बनती है ना वो हमेशा दो पार्ट में बनती है। दो पार्ट का मतलब इसके अंदर एक जो हमारा पार्ट रहता है वो लायबिलिटीज का रहता है और दूसरा जो पार्ट रहता है इसका वो हमेशा एसेट साइड का रहता है। तो लायबिलिटीज यानी कि जो भी हमारी कंपनी की तरफ से जो देनदारियां होती है, चाहे वो बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है उसकी देनदारी हो, चाहे वो बैंक की देनदारी हो, चाहे जिससे हमने रजिस्टर्ड जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनसे हमने सामान खरीदा है उनकी देनदारी हो, या किसी हमने रिश्तेदार से रिलेटिव से अंदर पैसा उधार लिया है उसके देनदारी हो, तो यानी किसी भी टाइप की हमारी देनदारी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की देनदारी हो टैक्स के रूप में, सारी की सारी लायबिलिटीज का ही पार्ट होता है। और ये जो हमारे ग्रुप होते हैं सैंडरी क्रेडिटर हो गए, अनसिक्योर्ड लोन हो गए, इसी तरीके ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो, ये सब के सब हमारे करंट लायबिलिटीज के पार्ट ही होते हैं। और इसके अंदर शुरुआत हम करते हैं करंट लायबिलिटीज का ग्रुप। करंट लायबिलिटीज का ग्रुप कब यूज करते हैं, जैसा कि हम लेजर क्रिएट करते हैं, एक लेज़र हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि मान लीजिए हमने एक लेज़र क्रिएट किया भी सैलरी पेबल का, और इसके अंदर हमने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया करंट लायबिलिटीज का। तो जैसे हमने करंट लायबिलिटीज आपने देखा भी हमने करंट लायबिलिटीज सेलेक्ट किया तो इसके सब ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और यही जब से हम कोई ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए सैंडरी क्रेडिटर हमने कर लिया, तो आपने देखा होगा करंट लायबिलिटीज के अंदर भी एक ऑप्शन आता है नीचे दिखाया हुआ करंट लायबिलिटीज का, यानी कि अब ये जो सैंडरी क्रेडिटर है ना, ये सैंडरी क्रेडिटर का मतलब हमारी कंपनी की तरफ से इसको पैसे देने हो सकते हैं, तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। तो वैसे करंट लायबिलिटीज का जो ग्रुप का यूज हम करते हैं, वैसे सैंडरी क्रेडिटर का जो यूज हम कब करते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, जिस कंपनी या फर्म से हम उधार सामान खरीदते हैं यानी कि जो हमारे सप्लायर होते हैं उनके जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हमें सैंडरी क्रेडिटर जो ग्रुप देना होता है। क्योंकि जैसा कि आपने बैलेंस शीट में भी देख लिया, वापिस हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, एल्टा फन के साथ डिटेल देखते हैं, तो आप देख सकते हो ये हमारी करंट लायबिलिटीज है टोटल
61,128 रुपए। अब इसके अंदर क्या हो गया, आप देख सकते हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का भी ऑप्शन आ रहा है और सैलरी क्रेडिटर का भी आ रहा है। तो ये तो आपके साथ देख रहे हो ये माइनस के अंदर आ रहा है, यानी कि ये तो हमने पैसा गवर्नमेंट से टैक्स के रूप में लेना है, और ये 162,295 रुपए और 60 पैसे ये हमारी देनदारी है। तो ये प्लस माइनस करके हमारा नेट जो हमारी कंपनी की लायबिलिटी है वह 161,128 रुपए और 48 पैसे। तो यानी कि ये सैलरी क्रेडिटर भी हमारा करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है। अब वैसे तो करंट सैलरी क्रेडिटर हम किसको बोलते हैं, जिसे हम गुड्स है जो उधार में परचेज करते हैं। अब इसके अलावा हमारी और देनदारियां भी हो सकती है, और देनदारियों का मतलब भी मान लीजिए आपने आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसा एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा है जो कि हमारा मार्च एंड के ऊपर बकाया रह जाता है, जैसे कि व्यापार की अन्य देनदारी है जिसका भुगतान करना अभी बाकी है, जैसा कि किसी को सैलरी देने वाली बकाया पड़ी है, किसी का मान लीजिए कोई हमारा एक्सपेंसेस है जिसका पेमेंट हमें करना वाला बकाया पड़ा है, या जो हमारे टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को अभी कोई टैक्स है जो डिपॉजिट करवाने वाला बकाया पड़ा है, जैसा कि जीएसटी का टैक्स है वो हमारा डिपॉजिट करवाने वाला पड़ा है। वैसे तो जैसे हम टैक्स के जो लेजर क्रिएट करते हैं जीएसटी के वगैरह की, जो हमारी तरफ से लेनदारियाँ बनती है वो हमारा ग्रुप रहता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब ये चीज़ हो गया भी हम उसको पूरे साल के दौरान प्लस माइनस होता रहता है, जैसा कि जीएसटी जीएसटी टैक्स है कभी हमारी माइनस में आ गया, कभी वो प्लस में रह गया, कभी हमारी देनदारी होगी कभी हमारी लेनदारी होगी, तो ये पूरे साल में चलता है। लेकिन जैसे 31 मार्च एंड के अंदर अगर आपका वो देनदारी बन जाती है यानी कि गवर्नमेंट की उसका भुगतान अभी हमारी तरफ से करना बकाया है, तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से जैसे कोई सैलरी है, मान लीजिए सैलरी जैसे आपके पास कोई कंपनी का एक एम्प्लॉई है, उसको आपने जो अप्रैल मार्च मंथ की जो सैलरी है मान लीजिए उसका भुगतान आपने उसको मई में अप्रैल में जून में यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने किया है, तो आपका वो कंपनी की तरफ से उसका जो मार्च मंथ का जो भुगतान है वो अभी भी करने वाला बकाया पड़ा है फाइनेंशियल ईयर के दौरान में, यानी कि जैसा कि 31 मार्च 2022 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22 तक है, यानी कि 21-22 का कुछ खर्चा आपका आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 के अंदर इसका भुगतान किया है, तो वो हमारा खर्चा जो करंट लायबिलिटीज के अंदर रहेगा। या इसी तरीके से मान लीजिए हमने कोई और एसेट्स परचेज करी है, जैसे कि हमने कोई कंप्यूटर परचेज कर लिया, कोई फर्नीचर हमने परचेज कर लिया, तो वो अगर उसकी भी देनदारी हमारी बकाया पड़ी है तो उसका ग्रुप भी हम करंट लायबिलिटीज के अंदर ही हमेशा रखते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन का, सिक्योर्ड लोन का मतलब जैसे हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर पे हम गए जैसे मान लीजिए हमने एक बैंक का लेजर किया बैंक ऑफ इंडिया, तो अब ये मान लीजिए हमारा इस बैंक से हमने पैसा उधार ले रखा है यानी कि लोन इस बैंक से हमने लिया हुआ है, तो हम इसका जो ग्रुप आप देख सकते हो एक ऑप्शन आता है हमारे पास सिक्योर्ड लोन का। जैसे हम सिक्योर्ड लोन को यहाँ पर करते हैं तो ये देखो हमारी ऑप्शन आ जाता है इसका सब ग्रुप का, मेन ग्रुप का लोन्स लायबिलिटी, यानी कि आपने एक तरीके से लोन लिया ये आपकी लायबिलिटी बनती है, आपको इसका पैसा बैंक को भी चुकाना है। और वैसे जब हम बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो बैंक के अंदर भी हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, एक बैंक अकाउंट ये तो हमारा जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और जो दो अकाउंट हमारे पास बच गए OCC यानी कि और कैश क्रेडिट का, तो ये हमारे लिए एक तरीके के लोन के ही ग्रुप हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर भी इसने लोन एंड लायबिलिटीज़ का ही ग्रुप है जो दिखाया है। तो यानी कि आपका ये पैसा गवर्नमेंट आपने इस बैंक से कर्जा लिया है, कर्जे का भुगतान आपकी कंपनी ने करना है, तो ये भी आपका एक तरीके से लायबिलिटी का ही पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए इसको एंट्री हम ये करते हैं, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाउचर पे गए और मान लीजिए इसका पैसा हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का लेजर हमने क्रिएट किया, मान लीजिए 5 लाख का हमारा लोन था और ये लोन की जो अमाउंट है ये SBI बैंक में ट्रांसफ़र होगी। तो अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट पे हम जाते हैं और जैसे हम देखेंगे तो ये हमारा जो 5,50,000 की जो अभी हमने एंट्री करी थी ये लोन एंड लायबिलिटीज़ में ये 50,000 रुपये की आ गई बैंक ओडी अकाउंट। अब ये भी देख सकते हो आप हमारा ये लायबिलिटीज़ का पार्ट है, क्योंकि ये सारी की सारी ये साइड का जो भी रकम आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल है, ये आपका टोटल लायबिलिटी, आपको ये आपकी कंपनी के द्वारा इतना लोगों को पे करने वाला बकाया पड़ा है, वो किसी रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जो हमारा
वैसे रूटीन में हम सिक्योर्ड लोन का ग्रुप का यूज हम कब करते हैं, यानी कि जब बैंक या किसी रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी से लोन हम लेते हैं, तो उस बैंक का या उस रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी का जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका ग्रुप हम सिक्योर्ड लोन में रखते हैं। रजिस्टर्ड फाइनेंस का मतलब जैसे कोई प्राइवेट बैंक हो गया कोई या कोई प्राइवेट कंपनी होगी जिसे हमने लोन लिया, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और बैंक जो हमारे रूटीन के बैंक के लेजर होते हैं ये केवल उन्हीं के लिए यूज करना है जिससे हमने कर्जा लिया है। अगर आपने पैसा जमा कराया है, आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो उसके लिए नॉर्मल हम बैंक अकाउंट का ग्रुप है जो यूज करते हैं। इसी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन, अब अनसिक्योर्ड लोन का ग्रुप का यूज हम कब करते हैं, यानी कि किसी ब्लड रिलेशन या रिश्तेदार रिलेटिव से जब हम कोई पैसा उधार लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो भी एक तरीके से हमारा कर्जा है, उसी को भी पैसा हमें देना होगा विद इंटरेस्ट के साथ में। तो जब उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे तो वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन में आ जाएगा। तो उसको सिक्योर्ड लोन में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं। अगर ये कोई रजिस्टर्ड लोग होंगे तो उसका ग्रुप हमें सिक्योर्ड लोन में रखना पड़ेगा। यानी कि सिक्योर्ड लोन का मतलब भी ऐसा कोई भी लोन जिसके अगेंस्ट के अंदर हमने काफ़ी सारी सिक्योरिटी हमने उसको बैंक को दी है। अब मान लीजिए चाहे आपने रिलेटिव से या ब्लड रिलेशन से पैसा लिया है, चाहे आपने सिक्योरिटी उनको भी दी हो, चाहे आपने उसको चेक दिए हो या प्रॉपर्टी के कागजात दिए हो, लेकिन वो गिना जाएगा अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी के अंदर। अब जैसे हम अनसिक्योर्ड लोन का कोई एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि साथ में साथ आपको पता चलता है जैसे अनसिक्योर्ड लोन का जो हम लेजर क्रिएट करते हैं उसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पे कहाँ कहाँ पड़ता है। जैसे कि हमने एक लेजर एक और हमने क्रिएट कर लिया, अब मान लीजिए सीधा हम लिख दिया सुधार संस, ये आपका पर्सनल नाम से हो सकता है, किसी फर्म के नाम से भी हो सकता है। तो हमने अनसिक्योर्ड लोन में रख लिया। अब जैसे कि अब अनसिक्योर्ड लोन हमने सेलेक्ट किया तो ये भी आपको दिखाएगा भी लोन लायबिलिटी, ये भी आपके तरह से लोन आप इसे ले रहे हो। तो जो हमने अभी लेजर क्रिएट किया है उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास में आया है। मान लीजिए 1,00,000 रुपये हमने उधार लिया है और ये हमारा बैंक में पैसा आ गया। तो अब जब इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे तो ये जो बैलेंस शीट की एंट्री आपको दिखाई देगी, आप देख सकते हो ये भी लोन एंड लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, और इसके अंदर जो हमने बैंक से पैसा लिया था 50,000 वो भी आपको यहाँ दिखाएगा, और अनसिक्योर्ड लोन ये भी 1,00,000 रुपये का आपको यहाँ पर पूरी अमाउंट दिखाएगा लोन की लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो जैसे जैसे हमारे कर्जा हमारा बढ़ता जाएगा, हमारा जो कर्जे का जो टोटल है वो भी एक तरीके से यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो ये तो था हमारा अनसिक्योर्ड, यानी कि अगर किसी ब्लड रिलेशन से या किसी रिश्तेदार से अगर हमने कोई पैसा उधार लिया है तो अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा फिक्स्ड असेट का जो ग्रुप है, अब फिक्स्ड असेट का ग्रुप हम किस लिए यूज़ करते हैं भी, जब हमने कोई प्रॉपर्टी अगर कोई परचेज करी है, जैसा कि मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, फर्नीचर, मोबाइल, ऐसी जो बिजनेस के यूज़ के लिए हमने यूज़ करते हैं, वो हमारी जो स्थाई है प्रॉपर्टी फिक्स्ड असेट होगी, फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी, उसका ग्रुप हम फिक्स्ड असेट में रखते हैं। और फिक्स्ड असेट का ग्रुप होता है जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो हमारा हमेशा एसेट साइड का पार्ट होता है। जैसा कि हमने एक कंप्यूटर का एक लेजर हमने क्रिएट किया था और इसका जो ग्रुप हमने रखा था फिक्स्ड असेट, तो ये असेट जितने भी रहेगी वो सारा का सारा एसेट साइड में रहेगा। अब करंट असेट के अंदर आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, सैंडरी डेप्टर यानी कि आपने लोगों से पैसा लेना कितना है, कैश इन हैंड आपके पास पैसा कितना बचा हुआ है, बैंक अकाउंट आपके पास बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है, ये चीज़ आ जाएगी। जैसा कि राकेश कुमार एम्प्लॉई है ये आ जाएगा आपका, एक तरीके से आपने इसको एडवांस दिया हुआ है ये भी पैसा आपने लेना है। तो इस तरीके से ये जो हमारे एसेट साइड के जितने भी ग्रुप रहेंगे वो सारे के सारे एसेट साइड में, यानी कि ये हमने ये तो हमारे पास पड़े हैं या हमने लोगों से लेने हैं, तो ये हमारा एसेट साइड का पार्ट होता है। लायबिलिटी साइड हमारी देनदारियां ही होती है। इसी तरीके से लोन एंड एडवांसेस, यानी कि जैसा कि अभी हमने अनसिक्योर्ड लोन की बात करी थी भी, अगर किसी ब्लड रिलेशन या रिश्तेदार से अगर पैसा हम उधार लेते हैं, हम लेते हैं हमारी कंपनी के लिए, तो अनसिक्योर्ड लोन में जाते हैं। अगर इसी का अपोजिट हम कोई करते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने किसी ब्लड रिलेशन या रिश्तेदार को पैसा उधार में दिया है तो उसको हम रखेंगे लोन एंड एडवांसेज में, यानी कि ये हमने एक तरीके को उनको उधार पैसा दिया है, हम इसका रिटर्न करेंगे बाई बैंकिंग चैनल से ही करेंगे और विद इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो इसका जो हम ग्रुप रखेंगे वो लोन एंड एडवांसेज में रखेंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ पैसा हमने कंपनी को दे दिया एडवांस के रूप में, उसके अगेंस्ट में हमारे पास सामान आएगा, पैसा वापस नहीं आएगा, तो वो हमारे लिए एक तरीके के सैंडरी डेप्टर या क्रेडिटर की कैटेगरी में रहेंगे। अगर आपने पैसा उधार दिया, जितना पैसा आपने बैंक के थ्रू ही दिया है और वो सारा का सारा विद इंटरेस्ट आपके साथ बैंक में ही आएगा वापस, तो आप न तो उनको कोई गुड सेल करोगे, न ही उनसे कोई आप सामान खरीदोगे, न ही कोई बेचोगे, तो वो आपके लिए लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में रहेंगे।
नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट का, यानी कि सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट का ग्रुप हम कब यूज़ करते हैं, तो ये ग्रुप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने एक कंपनी की सिक्योरिटी हमने दी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिपॉजिट सिक्योरिटी का खाता आता है। वैसे आप इसके अंदर डिपॉजिट का खाता भी बना सकते हैं और कंपनी, वैसे अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सभी के अंदर हमारा सिक्योरिटी का एक अलग ग्रुप होता है, अदरवाइज आप ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हम डिपॉजिट एंड एसेट की कैटेगरी के अंदर इसका यूज करते हैं, सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट का ग्रुप यूज कर। अब इसका ग्रुप का यूज हम कब करते हैं, मान लीजिए आपने कोई कंपनी का, आपने कोई मतलब आप इसके सब डीलर बने हो, और कई बार कंपनी होती है वो आपसे एडवांस के रूप में सिक्योरिटी के रूप से आपसे पैसा लेती है। जैसे मान लीजिए 10,000, 20,000 या 50,000, 1,00,000 रुपए तक सिक्योरिटी रखती है। जिस दिन भी आप कंपनी के साथ टाई अप आपका पूरा हो जाएगा तो वो सिक्योरिटी आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो मान लीजिए वो उस पैसे से आप न तो कोई सामान खरीद सकते हो, नहीं आप उनसे पैसा बीच में ले सकते हो। तो वो पैसा कंपनी के पास सेफ पड़ा है जब तक आपका और कंपनी के बीच में सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। तो वो सिक्योरिटी के रूप से जो हमने पैसा कंपनी को दे रखा है, उसका जब हम लेजर क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी का, तो उसका जो हम ग्रुप करेंगे वो डिपॉजिट का यूज़ करेंगे। टेली सॉफ्टवेयर में डिपॉजिट होता है, कई अलग अलग सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट के नाम से भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही इसका पार्ट है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इसके डिपॉजिट के आगे एसेट्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा हमने कंपनी से पैसा लेना है, एक तरीके से हमने ये भी कंपनी को एडवांस दे रखा है, लेकिन ये एडवांस के बदले में के अंदर हमारा एडवांस का एडवांस ही आ जाएगा। ये हमारी सिक्योरिटी है एक रजिस्टर्ड कंपनी को दी हुई हमारी बिजनेस की सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन सब का ग्रुप का यूज है जो बिजनेस में करते हैं। क्योंकि अब ये जो हमने ग्रुप की जो डिस्कस हमने किया है, ये वो ग्रुप है जो छोटे लेवल की बिजनेस के भी काम आते हैं और जो बड़े लेवल के जो बिजनेस होते हैं उनके भी काम आते हैं। और उसके बाद में आपने इसके अलावा और जो भी लिस्ट हम देखेंगे ग्रुप में के अंदर, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम, इसके ग्रुप का यूज हम कब यूज करते हैं। वैसे काफी सारे और हमारे पास रहेंगे, जैसे कि अभी हमने लोन एंड एडवांसेस का ग्रुप की बात करी थी, तो ये लोन एंड एडवांसेस ये आप देख रहे हो कि एसेट का पार्ट है। यानी कि कई बार लोन एडवांसेस का मतलब ये हो सकता है, लोन एडवांस हमने लिया है तो आपका रहेगा अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। अगर आपने लोन एडवांसेस दिए तब आप रखोगे इसको लोन एंड एडवांसेस के अंदर, तभी इसके आगे जो हिंट दे रखी है एसेट्स की, ताकि आपको पता चल जाए भी आपको ये पैसा, ये जो ग्रुप आपको तब यूज करना है तब आपने किसी से पैसा लेना है, आपने एडवांस दे दिया हो उस कंडीशन के अंदर। उसके बाद में जैसा कि हमारे ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स है, इसका यूज हम कब करेंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट की रिप्लाई देने की। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें।